क्रिसमस कॉन्वर्जेशंस में एक और बार हम आपका स्वागत करते हैं। हम क्रिसमस सीजन में क्रिसमस स्टोरी से लेके हम लोग कुछ बाइबल स्टडीज़ कर रहे हैं। हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं यीशु मसीह के बारे में, क्योंकि जो क्रिसमस है वो यीशु मसीह का जन्मदिन जो है उसको हम मनाते हैं, और यीशु मसीह के बिना क्रिसमस नहीं है। तो हम और यीशु मसीह इतने सुंदर हैं, इतने प्यारे हैं कि उनके बारे में हम दिन भर हम बात कर सकते हैं, पर फिर भी चीज़ें होंगी बोलने के लिए। और हम इस दुनिया में जितने दिनों तक हैं उतने दिनों तक, जैसे प्रेरित पौलुस लिखते हैं कि दिन प्रतिदिन हमारा जो मनुष्य है वो नया होते, अंदर का जो मनुष्य है वो नया होते जाता है, और वो प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान में हम बढ़ते जाते हैं। उनको हम जितना भी, हमें अगर कुछ लोगों को लगता होगा कि हम जानते हैं, हम तो जानते हैं प्रभु के बारे में, सब जानते हैं, पर जितना भी हमारे लिए पूरा एक इटर्निटी भी काफ़ी नहीं है उनके बारे में सीखने के लिए, उनके बारे में जानने के लिए, क्योंकि वो जो प्रेम है और उनका जो प्रेम है उसका कोई अंत ही नहीं है, उसकी जो गहराइयां हैं, हम युगाना युग भी, हम जब हेवन में भी रहेंगे तब भी हम उनके प्रेम को और भी हम सीख सकते हैं। ऐसा लगेगा कि हमको अभी तो कुछ पता ही नहीं था, हमको तो कुछ पता ही नहीं था कि इतना सब कुछ है। पर अभी जब हम हैं, हम परमेश्वर ने हमें बहुत एक सुंदर एक तोहफा हमें दिया है, वो उनका वचन है कि अगर हम आज के दिन में हम जानना चाहते हैं कि यीशु मसीह कैसे हैं या हमारे परमेश्वर पिता कैसे हैं, तो हमें गेस करने की ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ वहाँ दूसरों को पूछने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस जो परमेश्वर अपने बारे में कहते हैं उनके वचन में, उसको हम जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि उनके कि वो कैसे हैं। और अगर हम वचन को पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो उसमें हमारे लिए खुशखबरी है, क्योंकि हमारे परमेश्वर बहुत ज़्यादा अच्छे परमेश्वर हैं, बहुत प्रेमी परमेश्वर हैं। तो लोग सोचते रहते हैं कि हमारा जब उद्धार हो जाता है, हम ख्रिस्ती हो जाते हैं, तो वो भी बहुत बार ऐसे हम देखते हैं कि लोग सोचते हैं कि परमेश्वर ने मेरे लिए इतना सारा किया है तो मैं अभी परमेश्वर के लिए कुछ करूं, उनको खुश मैं करूं, कि परमेश्वर को मैं खुश करूं। तो लोग सोचते हैं कि लोगों के पास बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं परमेश्वर को खुश करने के लिए कि हमें क्या क्या करना है, पर हम आज पढ़ेंगे कि परमेश्वर किस चीज़ से खुश होते हैं, और वही प्रिंसिपल जो है हम क्रिसमस स्टोरी में से हम कुछ एग्जाम्पल्स को पढ़ेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर को खुशी किस चीज़ में मिलती है। तो हम एक वचन को पढ़ते हैं, लूका का 10:21। अब ये जो वचन हम पढ़ने जा रहे हैं, अगर आप सारे गॉस्पल्स में अगर हम पढ़ेंगे तो सारे गॉस्पल्स में एक ही जगह ऐसे लिखा है कि यीशु मसीह बहुत प्रसन्न हो के वो उन्होंने कुछ बोला। ये एक ही वचन है जहाँ वहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह एकदम उन्होंने खुशी मनाया। ये वचन, उसी घड़ी वह पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया और कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छुपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। इसमें वो किसके लिए खुश हो रहे हैं? वो खुश हो रहे हैं क्योंकि जो बहुत दुनिया में ज्ञानी लोग थे, जो बहुत स्मार्ट लोग थे, जो बहुत उनको लगता था कि उनको सब पता है, पर वो जो सच्चाई है, जो परमेश्वर की बातें हैं, उनको वो समझ नहीं पाए। पर जो जिनको दुनिया बोलते हैं कि ये लोग तो बुद्धू हैं, इनको कुछ आता नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं हैं या जो छोटे लोग हैं, उनको पर ये पिता परमेश्वर को ये बहुत अच्छा लगा कि ऐसे छोटे छोटे लोग जिनको कुछ पता ही नहीं है, उनको स्वर्ग की जो बड़ी बड़ी बातें हैं उनको प्रकट उन्होंने किया। तो हम क्रिसमस स्टोरी में भी जब हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता है
छोटे लोगों को लेके बड़े बड़े काम करने में। पूरे बाइबल में हम जैसे जितने भी हम बाइबल हीरोज़ को हम देखते हैं ना, जैसे हम गिडियन को देखते हैं, हम पढ़ते हैं कि वो एक डरपोक था। अब परमेश्वर जब डरपोक लोग और छोटे लोगों को, पर परमेश्वर जब उनकी ओर देखते हैं और परमेश्वर को जब परमेश्वर के साथ उन लोगों का जब एक टीम बन जाता है, तो वो जो एक टीम है वो बहुत पावरफुल हो जाता है। क्योंकि ये नहीं कि वो लोग कुछ स्पेशल है, क्योंकि परमेश्वर अपना सामर्थ उस टीम में, परमेश्वर का सामर्थ जुड़ जाता है। तो हम क्रिसमस स्टोरी में से ये पढ़ेंगे। हम स्टार्ट करते हैं लूका का 1-7 पढ़ो। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनके कोई भी संतान न थी क्योंकि एलिशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। इसमें वो एलिशिबा की बात कर रहे हैं। एलिशिबा और जकराया जो थे वो लेवी के लेवी गोत्र के लोग थे, और एलिशिबा जो थी वो बांझ थी। बांझ मतलब हम हमारे जीवन में बहुत सारे एरियाज ऐसे हो सकते हैं जिसमें हम फलवंत ना होना, मतलब हम लोग कभी कभी बहुत कुछ चीज़ों को कोशिश करते हैं, कुछ चीज़ों में बहुत हम मेहनत करते हैं, पर हमें लगता है कि कुछ भी यानी वर्कआउट नहीं हो रहा। बहुत कुछ हो सकता है कि नौकरी के लिए बहुत हम खोज रहे हैं, या पढ़ाई में हम बहुत हो सकता है कि हम कुछ चीज़ करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, पर हम जितना हम मेहनत कर रहे हैं हम उसका कोई भी हम फल देख नहीं पा रहे हैं। और ये जो लोग थे यहाँ पर ऐसे लिखा है कि वो परमेश्वर के सामने वो धर्मी थे, और ये लिखा है कि वो परमेश्वर के सामने निर्दोष थे। वो मूसा के व्यवस्था के हिसाब से वो निर्दोष थे। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने पूरी व्यवस्था रख दी, पर वो ब्लेमलेस थे। इसमें ये नहीं लिखा है कि वो एकदम पाप रहित थे, पर परमेश्वर की नज़र में ब्लेमलेस थे। यानी उन्होंने जो भी बलिदान करने थे, वो विश्वास से जो बलिदान करने थे वो सब वो किया करते थे, और इसीलिए वो परमेश्वर के सामने धर्मी थे। अब हम भी आज के दिन में प्रभु यीशु मसीह के लहू के कारण हम निर्दोष और हम मसीह यीशु की धार्मिकता बन गए हैं। तो जब हम इनके बारे में हम पढ़ते हैं, बाइबल में एक कॉन्सेप्ट है जो हम कहते हैं सोलोमन कॉन्सेप्ट, कि जो अभी तक बाइबल में जो अभी तक होता आया है वही आगे भी होगा, कुछ नया नहीं होगा। तो इनके लाइफ में हम देखते हैं कि वो एकदम उनके पास फल लाने का कोई भी सामर्थ, अपने आप में उनके पास कोई सामर्थ नहीं था, पर परमेश्वर ने आगे जाके अगर हम पढ़ते हैं ना, उसमें लिखा है, वो एलिशिबा कहती है कि परमेश्वर ने मेरे ओर नज़र डाला है। और उसमें ऐसे लिखा है कि वो जब बाद में स्वर्गदूत आता है और उनको बताता है, तो वो जब गर्भवती हो जाती है उसके बाद वो छुप जाती हैं थोड़े दिनों के लिए, ऐसे लिखा है बाइबल में। और वो कहती हैं कि भले ही परमेश्वर ने ऐसे ही मेरे साथ किया है, यानी हो सकता है आपको अगर आज लगता होगा कि परमेश्वर मेरे को दिख ही नहीं रहे, एकदम छुप गए हैं, मैं कितना मैं बुला रहा हूँ पर फिर भी मुझे दिख नहीं रहे हैं, पर वहाँ पर वो कहते हैं कि परमेश्वर जो है उन्होंने मेरी तरफ देखा है। यानी जो उनका जो वीकनेस है, वो जब कुछ हम जब कुछ कर नहीं पाते हैं, जब हम ऐसे लगता है हम जब तक खुद के मेहनत से करते रहेंगे तब तक परमेश्वर कुछ कर नहीं पाएंगे, पर हम जब उस पॉइंट पे आ जाते हैं कि हम बोलते हैं कि हम अब हमसे नहीं होगा। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब कुछ भी नहीं हो रहा होता, हमसे कुछ नहीं हो रहा होता ना, तब एक्चुअली हमारे लिए गुड न्यूज़ हो जाता है, क्योंकि उसके बाद हम हमारे पास कोई चारा ही नहीं होता, तो हम परमेश्वर पे भरोसा करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसके बारे में प्रेरित पौलुस भी एक वचन बोलते हैं, वो हम पढ़ते हैं। वो दूसरे कुरिन्थियों में कहते हैं कि जब मेरे निर्बलता में उसका जो बल है, परमेश्वर का बल है, वो एकदम सिद्ध हो जाता है। तो वो और एक वो वचन कहते हैं, उसको हम पढ़ लेते हैं।
रीड 2 Corinthians 12:9। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। वो कहते हैं, वो ये नहीं कहते कि ओ मैं बहुत निर्बल हूँ, मेरे से कुछ होगा नहीं, अब कुछ नहीं होने वाला, मेरा अंत हो गया। पर वो ये कहते हैं कि मैं जो मेरी निर्बलताएं हैं उसको मैं उसमें मैं खुशी मनाऊंगा। यानी अगर आज हमको लगता है कि हम बुद्धू हैं, हमसे कुछ हो नहीं रहा है, या हम फल नहीं ला पा रहे हैं, एकदम बूढ़े हो गए, हमारा टाइम निकल गया, तो गुड न्यूज़, हमें अभी मनाना, हमें खुशी मनाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर जो है उनको उनको ऐसे सिचुएशन में आके ही बड़े बड़े काम करने में बहुत मज़ा आता है। आगे हम पढ़ते हैं, आगे जब हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जो यूसुफ और मरियम जो हैं वो नाजरेत के शहर से, परमेश्वर उनको वो नाजरेत के शहर में सेटल होता है। अब नाजरेत जो शहर है, आगे अगर हम सुसमाचारों में पढ़ेंगे ना, तो यीशु मसीह के बारे में फिलिप को कोई बताता है कि हमने हमको मसीहा मिल गया, वो नाजरेत से है, तो फिलिप बोलता है कि नाजरेत उस जगह से कुछ अच्छी चीज़ तो आई नहीं सकती। मतलब वो ऐसी एक बेकार जगह थी। पर आज के दिन जब हम देखते हैं, हम नाजरेत जब हम सुनते हैं ना, पूरे विश्व में नाजरेत को कोई आज ये नहीं बोलता कि इतनी बेकार जगह से कौन सी अच्छी चीज़ आ सकती है। ऐसे ही हमारे लाइफ में हम बहुत बार हो सकता है कि हमने कुछ पाप कर दिया हो, या हमारे कुछ बैड डिसीजंस हमने हमारे लाइफ में लिए हो, तो लोग भी, हमारे परिवार वाले भी हमको देख के बोलते हैं कि अब इसका कुछ नहीं होना है, या फिर हम जहाँ भी जाते हैं हमारा नाम, जिनका नाम खराब हो जाता है, हो सकता है कि आपका नाम खराब हो गया, आपको देखते ही लोग बोलते हैं कि इससे कोई अच्छी चीज़ हो ही नहीं सकता कि आने वाली है। पर परमेश्वर की नज़र में ऐसे जो लोग हैं, हम जब यीशु मसीह की वंशावली पढ़ते हैं मत्ती में, तो उसमें हम एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखते हैं। उस पूरी वंशावली में सिर्फ 4 ही लेडीज़ का नाम है, स्त्रियों का नाम है, और उन चारों को अगर आप पढ़ेंगे, उसमें है, एक तो है तामार, उसका अगर आप स्टोरी पढ़ोगे तो वो आज के दिन में भी उसने जो किया वो बहुत स्कैंडलस है, यानी वो हम सोच भी नहीं सकते, ऐसा एक स्टोरी है, वो पुराने नियम में है। और फिर हम पढ़ते हैं रूथ, फिर राहाब, राहाब को हम जानते हैं वो यरीको में जो है वो एक वेश्या थी, और फिर रूथ एक अन्य जाति स्त्री, और चौथी जो है बतशीबा। बतशीबा तो वो इसीलिए फेमस है कि उसने पाप किया था। तो इन चारों लोगों को जब हम सोचते हैं कि इतने यीशु मसीह की वंशावली में एक्चुअली बहुत अच्छे अच्छे लोग भी थे, जैसे कि सारा थी, हमें पता है, और जो बहुत सही में, मतलब जिनका बाइबल में बहुत सारा उनका स्टोरी है और हम जानते भी हैं, है ना। पर परमेश्वर जब हम दुनिया में, जब लोग किसी को देखते हैं, उनका नाम अगर खराब हो जाता है तो उनको वो साइड में हटा देते हैं कि अब इनका स्टोरी फिनिश हो गया। पर इन चारों लोगों को जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर को बहुत, परमेश्वर की नज़र में कह सकते हैं कि परमेश्वर के एक पर्सन, एक नेचर को हम समझ सकते हैं कि जैसा हमने वो पहला वर्स पढ़ते हैं कि वो ही तुझको अच्छा लगा। हाँ, परमेश्वर को इसीलिए अच्छा लगता है कि ऐसे नाजरेत जैसे हो सकता हमारी स्थिति हो, फिर भी परमेश्वर को ऐसे लोगों को ही चुन के ऐसा एक महिमा में वो बना देते हैं कि हमें याद भी नहीं। कभी कभी मैंने जैसे कुछ गवाहियाँ सुनी हैं परमेश्वर से, किन्हीं लोगों का जैसे मुलाकात होता है, परमेश्वर को वो स्वीकार कर लेता है ना, 2-3 साल बाद अगर वो अपनी गवाही, उनकी गवाही जब हम सुनते हैं, हम बहुत चकित हो जाते हैं, हमें लगता भी नहीं है कि वो, उन्होंने ऐसा कभी कुछ किया होगा, है ना। परमेश्वर एकदम स्थिति बदल देते हैं, और उसी में क्योंकि परमेश्वर को बहुत महिमा मिलती है कि ऐसे एक इंसान को भी लेके परमेश्वर बड़े बड़े काम करते हैं।
फिर आगे हम पढ़ते हैं कि मरियम, मरियम को जब मरियम के बारे में हम पढ़ते हैं, हिस्टोरियंस बोलते हैं कि मरियम जो है वो उस समय में हार्डली 16 या 17 इयर्स की रही होगी, 16-17 साल की, मतलब एक छोटी लड़की। और वो लोग बहुत गरीब भी थे, क्योंकि आगे जब वो टेंपल में यीशु मसीह को डेडिकेट करने ले जाते हैं, तब वहाँ पर लिखा है कि उन्होंने वो कबूतर दिए, और जो सबसे गरीब लोग थे उन वो ही लोग कबूतर ले जाते थे। पर परमेश्वर ने इतने सारे लोग, हम सोच सकते हैं, मैंने कहीं एक बुक में पढ़ा था कि उस ज़माने में ना कुछ बहुत अमीर घराने के जो की जो लड़कियां थी वो मतलब शादी किए बिना भी वो रहती थी कि ये जो भविष्यवाणी है उनके द्वारा पूरी हो जाए, क्योंकि ये जो भविष्यवाणी है ना कि जो एक के कुमारी गर्भवती होगी। और हमें पता है कि यीशु मसीह का जो जन्म है ये हिस्ट्री का एकदम हम बोल सकते हैं कि सेंट्रल जन्म है, सबसे इम्पोर्टेंट जन्म है। तो उस टाइम पे कुछ जैसे कुछ राजकुमारियां भी ऐसे थी जो शादी नहीं करती थी, पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उन सब लोगों को छोड़ के किसको चुना, मरियम को चुना। और वो उसके बाद वो एक गाना गाती हैं, उसको हम पढ़ते हैं, उसमें बहुत कुछ सुंदर वचने हैं। उसने बलवानों को उनके सिंहासनों से गिरा दिया और दीनों को ऊंचा किया, उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया और धनवानों की चूचे हाथ निकाल दिया। जो नीचे जो लोग हैं, जो दीन लोग हैं, उनको परमेश्वर ने क्या किया, एकदम ऊंचा उठा दिया। और जो बलवान हैं वो कुछ कर नहीं पाए। यानी परमेश्वर हमारे लाइफ में जब हमें लगता है कि हमसे नहीं होगा, हम जब मन के दीन हो जाते हैं, दीन यानी पुअर, गरीब, जब हमें लगता है कि हमारे पास कोई सामर्थ्य नहीं है, हम छोटे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मरियम के साथ जो हुआ था वही जो परमेश्वर, क्योंकि चेंज नहीं होते, उनका तरीका चेंज नहीं होता, मरियम के साथ जो हुआ वही हमारे साथ भी होगा। यानी आज के दिन अगर हम किसी एरिया में दीन हैं, तो हमको परमेश्वर उठा के वो बोलते हैं कि आज मरियम को सब लोग जानते हैं, और स्वर्गदूत उनको बोलते हैं कि तुम धन्य हो, सारे स्त्रियों में से तुम धन्य हो। वैसे हम भी आज धन्य हैं। और फिर आगे जब हम और स्टोरी पढ़ते हैं, तो बेथलहम के बारे में एक वचन हम पढ़ते हैं। रीड माइका 5:2। हे बेथलहम इफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझमें से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इसराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा। इसराइल में हजार गांव थे, पर परमेश्वर ने किसको चुना, हजारों में से सबसे छोटा। और एक वचन भी हम पढ़ सकते हैं, ये बहुत सारे लोगों को ये शायद पता नहीं होगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग वचन है। रीड व्यवस्था विवरण 7:7। हम लोग आज के दिन में जब हम चर्चेस में भी हम देखते हैं ना कि जब आज के दिन हम इसराइल की अगर हम बात करते हैं, तो मैंने भी बहुत लोगों को बोलते हुए सुना है कि वो इसराइल बहुत महान है, वो परमेश्वर के चोजन है, वो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। तो इनफैक्ट इसराइल का भी आज के दिन में एटीट्यूड यही है, यहूदियों का, उनको लगता है कि वो, पर इसराइल का एक्चुअली इसके बारे में एटीट्यूड थोड़ा सा गलत हो गया। उनको लगता है कि वो चुने हुए हैं क्योंकि वो बहुत धर्मी हैं, इसीलिए उन्होंने यीशु मसीह को रिजेक्ट कर दिया था। पर यहाँ पर परमेश्वर यहाँ पर बताते हैं इस वचन में कि इसराइल को परमेश्वर ने क्यों चुना। यहोवा ने जो तुम से स्नेह करते तुमको चुन लिया, इसका कारण यह नहीं था कि तुम गिनती में और सब देशों के लोगों से अधिक थे, किंतु तुम तो सब देशों के लोगों से गिनती में थोड़े थे। यहोवा ने जो तुमको बलवंत हाथ के द्वारा दासत्व के घर में से,
परमेश्वर यहोवा ने उनको क्यों चुना? बाकी लोगों से, क्योंकि वो गिनती में वो छोटे थे। अगर आज के दिन हम गिनती में अगर हम छोटे हैं तो गुड न्यूज, क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही लोगों को चुनते हैं। बहुत बार लोग एक ये क्वेश्चन भी आता है कि परमेश्वर कैसे लोगों को चुनते हैं, तो लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं अगर किसी को अगर मैं चुनूं तो मैं पहले तो मैं ये देखूंगी कि सबसे स्मार्ट कौन है, कौन ऐसा लग रहा है कि मैं इसको पकड़ूंगा तो मेरा काम, मैं इसको पकड़ूंगी तो मेरा काम हो जाएगा, लग रहा है कि ये स्मार्ट है, इनको सब चीज़ें पता है। कोई भी पूरी दुनिया में ऐसे किसी को नहीं छूनेगा कि ओ ये तो बहुत छोटे हैं इसलिए इनको मैं ले लेता हूँ। पर हमारे परमेश्वर का उनको आनंद इसी में मिलता है कि वो छोटे छोटों को चुन के वो बड़ा कर देते हैं। और ये नहीं है कि जैसे आज के दिन में भी इसराइल को हम बहुत स्पेशल मानते हैं, पर उनका चुनाव इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो बहुत बड़े थे, उनका चुनाव इसीलिए हुआ क्योंकि वो बहुत छोटे थे। ऐसे ही हम दाऊद के लाइफ में भी देखते हैं कि दाऊद, हम देखते हैं कि सातवां सबसे छोटा, उसको जब जब शामवेल आए थे तब उसको कंसिडर भी नहीं किया गया था, उसको लगा उसको तो बुलाया भी नहीं गया था, लोगों ने सोचा कि इसको कहाँ से लेंगे। पर परमेश्वर छोटे लोगों को लेके बहुत बड़े बड़े काम करते हैं। ऐसे ही हम आगे और पढ़ सकते हैं कि जो सबसे पहला जो न्यूज़ यीशु मसीह का जो जन्म का न्यूज़ है, जो वो तीन मैगी हैं, वो भी यीशु मसीह को, जब यीशु मसीह 2 साल के थे तभी वो उनको मिलने आए। पर सबसे पहला जो न्यूज़ है, यीशु मसीह का जन्म किसी एक बहुत बड़े राजमहल में नहीं हुआ, एक बहुत छोटे से एक घर में हुआ। और जो सबसे पहले वो जो न्यूज़ दिया गया था वो भी बहुत स्मार्ट लोगों को नहीं दिया गया था, पर चरवाहों को दिया गया था, जो कुछ पढ़े लिखे नहीं थे, जो कुछ स्पेशल नहीं थे। और वहां पर हम देखते हैं कि स्वर्गदूतों की एक बहुत बड़ी सेना, जबकि वाइस मैन ने तो एक छोटा सा तारा देखा था, पर जो चरवाहे थे उनके लिए तो एक पूरा हेवनली क्वायर, जो हजारों स्वर्गदूत वहां पर आ गए और वहां पर इतनी बड़ी एक रोशनी चमक गई, एक सिर्फ छोटा तारा नहीं पर पूरा स्वर्ग ही उनके लिए नीचे उतर गया। तो ये जब हम पढ़ते हैं तो हमारे लिए बहुत एक एनकरेजमेंट की बात है कि हमारे परमेश्वर जो है वो दुनिया जैसे नहीं है। वो जब हमको देखते हैं, हमारे वीकनेसेस को जब वो देखते हैं, तो वो ये नहीं बोलते कि ये तो तुम बहुत बेकार है, तो तुम्हें ये तुम ठीक करोगे तभी मैं तुम्हारे साथ कुछ करूँगा, या तुम अगर तुम्हें ये कमजोरी है या तुमने ये पाप किया तुम्हारा नाम खराब हो गया तो अब तुम कभी मेरे काम नहीं आ सकते, वो ऐसे नहीं बोलते हैं। तो हम कंक्लूशन में एक वचन पढ़ के हम इस स्टडी को ख़त्म करते हैं, फिर हम प्रार्थना करेंगे। पहला कुरिन्थियों का 1:26-27-28। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। तो मुझे तो ये सुन के बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब मैं खुद को कमज़ोर समझती हूँ, और कोई भी ऐसा सोचते होंगे कि हम कमज़ोर हैं, हमसे नहीं होगा, नहीं तो हमारे पास ये खूबी नहीं है, हमसे बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन परमेश्वर की नज़र में हम बहुत मूल्यवान हैं। और एक बात भी हमको समझना ज़रूरी है कि अगर हम बहुत छोटे हैं, परमेश्वर हमको चुनते हैं, लेकिन वो हमको छोटा ही छोड़ नहीं देते हैं, क्योंकि वो हमको अपनी महिमा से हमको भर देते हैं। और हमको वो, जैसे उन्होंने इब्राहिम को कहा कि मैं तुमको बहुत बड़ी जातियों का पिता बनाऊंगा, तुम्हारे जो वंश होंगे वो तारों के समान होंगे, वो जो किनकों के समान होंगे जो धूल के, तो वो हमको महान बनाते हैं अपनी कृपा से, अपनी दया से। और मुझे कभी कभी लगता है कि प्रभु छोटी चीज़ों को क्यों चुनते हैं, क्योंकि छोटी चीज़ों को पता है कि वो छोटी हैं। हाँ, क्योंकि अगर कुछ वो बहुत स्मार्ट लोगों को चुनेंगे तो वो जब महान होंगे वो बता देंगे कि वो तो मैं स्मार्ट था, मैं बहुत अच्छे परिवार से जन्मे हैं, वो लोग बहुत पैसों वाला था, मेरे पापा ये थे वो थे, तो इसीलिए मैं बहुत महान बन गया। लेकिन अगर वो
छोटा इंसान है वो मानेगा कि मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं एकदम शून्य था, लेकिन परमेश्वर की महिमा हो, उन्होंने ये सब किया, जो भी किया उनके अनुग्रह ने किया, हमारे पास कुछ नहीं है, उनके अनुग्रह से ही मुझे सब कुछ मिला। तो हम प्रार्थना करेंगे और हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे और हम उनके अनुग्रह को स्वीकार करेंगे कि हमारे जो कमजोरी में भी परमेश्वर का सामर्थ्य है प्रकट होगा। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इन सुंदर वचनों के लिए। पिता, तुझे अच्छा लगा है कि तूने हमको चुन लिया। हम बहुत छोटे हैं, हम बहुत दुनिया की नज़र में हम तुच्छ हो सकते हैं पिता, लेकिन तेरे लिए हम एक बहुत मीरास हैं। तूने अपना महिमा हमारे अंदर रखा है, मसीह को हमारे अंदर रखा है पिता। महिमा की ओर तो हमको ले जाएगा, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। जो भी देख रहे हैं उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं कि वो अपनी कमज़ोरी में दुखी ना हो जाए, वो अपनी नीच अवस्था के कारण निराश नहीं हो जाए, पर तेरी ओर वो देखते रहे। तू छोटे लोगों को उठाने वाला परमेश्वर है, सभी अपनी महिमा कमज़ोरों के द्वारा प्रकट करने वाला परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा प्रकट हो जाए, तेरा जो सामर्थ्य कमज़ोर लोगों के द्वारा प्रकट हो जाए और हमारी ज़िंदगी तेरे सामर्थ्य हमेशा हमारी ज़िंदगी में प्रकट हो, तेरी जो भरपूरी से प्रकट हो तेरी महिमा। पिता, हम धन्यवाद करते हैं, हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंप देते हैं, जो भी देख रहे हैं उनको भी तेरे हाथों में सौंप देते हैं। यीशु के नाम से देखने के लिए धन्यवाद। मैरी क्रिसमस और प्रभु के आशीष को बने रहिए।